Hello aspirants, welcome to Study for Civil Services. Today is 20th of Jan 2020 and guys, current affairs ka ye lecture aap log dekh rahe hain. Is lecture mein hum log various sources se news ko cover karte hain, jaise ki the Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint jaise jo newspapers hote hain, unki news ko cover kiya jata hai, PIB ki reports ko discuss karte hain, Rajya Sabha television mein jo bhi important news discussion debates aati hain, unko cover karte hain, plus various magazines jaise ki EPW Down to Earth ke bhi articles ko discuss karte hain. इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना. एंड गाइज, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं. हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के हिसाब से हम लोग न्यूज को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग न्यूज को कवर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. अगर स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 1 की पहली न्यूज से. यहाँ पर बात हो रही है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में. क्वेश्चन आ सकता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटका में बैंगलोर के काफी नजदीक ये पार्क हम लोग को देखने को मिलता है, राइट. और इस पार्क में काफी सारे स्पीसीज पाए जाते हैं जैसे कि एलिफेंट, गौर, तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, राइट. तो इस प्रकार के काफी सारे स्पीसीज बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, क्योंकि बताया गया है कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज को बैन कर दिया, यानी कि इस पार्क के आसपास किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होने वाली है. इस पार्क को प्रोटेक्शन कराने के लिए, ये प्रोटेक्शन देने के लिए कमर्शियल एक्टिविटीज को बैन किया गया है. अब ये जीएस पेपर 2 की भी कुछ बात कर लें, क्योंकि पेपर 2 से रिलेटेड भी कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है, राइट. जैसे कि पूछा जा सकता है इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं या फिर इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज क्या होते हैं. तो याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये अपने नोटिफिकेशन के थ्रू अगर किसी एरिया को प्रोटेक्शन देती है, राइट. तो जैसे कि कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, कुछ फॉरेस्ट एरिया कैसे प्रोटेक्टेड एरियाज की वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की जानी है, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होनी है या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी है, या एक स्पेसिफिक एक्टिविटी जो मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करेगी कि ये वाली एक्टिविटी नहीं होनी है, राइट. तो ऐसे जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जिनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, तो ऐसे एरिया को इको सेंसिटिव जोन्स बोला जाता है. अब ये पूरी ओवरऑल चीज किससे आई है, ये कानून के थ्रू आई है जिस कानून का नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ये भी पूछा जा सकता है कि किन एरिया जो है, जैसे कि इको सेंसिटिव जोन्स जब बनाया जाता है, किसी एरिया को प्रोटेक्शन दी जाती है कि वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, राइट. तो ऐसे एरिया को रेगुलेट करने के लिए कौन सा कानून है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है. और 1986 थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि ये कानून जो है वो कब का है, तो आपको पता होना चाहिए 1986 का, ठीक है. अब इस एरिया, मतलब अब एक और चीज याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से, जैसे कि मिनिस्ट्री ने बोला किसी एरिया को जो है वो प्रोटेक्शन देनी है, राइट. अब किसी एरिया को प्रोटेक्शन देनी है तो उसके आसपास कितने किलोमीटर के रेडियस तक जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होगी या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना. तो देखो गाइस, यहां पर अगर मिनिस्ट्री ने मेंशन नहीं किया है कि कितने किलोमीटर के एरियाज पर जो है वो प्रोटेक्शन दी जानी है, तो जनरल सेंस में 10 किलोमीटर का रेडियस माना जाता है, ठीक है, जनरल सेंस में. और अगर वो मेंशन करेगी तो वो पर्टिकुलर जो है वो लेंथ जो होगी या पर्टिकुलर जो रेडियस होगा उसके हिसाब से काम चलेगा. बट अगर मेंशन नहीं है तो याद रखना है कि 10 किलोमीटर जो है वो माना जाता है कि किसी भी एरिया के 10 किलोमीटर के रेंज में, 10 किलोमीटर रेडियस के रेंज में, ठीक है. रेडियस यानी कि ये यहां से 10 किलोमीटर ये भी होता है और यहां से 10 किलोमीटर ये भी होता है, तो इस प्रकार से, ठीक है, एक एरिया से हर एक जगह पर 10 किलोमीटर तक, तो ये उसके रेडियस में अगर कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है तो उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से जो है वो बैन किया जाता है, क्योंकि यहां पर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है कि इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ये फॉरेस्ट एरियाज होता है, अगर फॉरेस्ट एरियाज में इंडस्ट्री वगैरह होंगी, धुआं वगैरह होगा, पोल्यूशन वगैरह होगा, तो आसपास के स्पीसीज को नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो, समझ रहे. तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर पता होनी चाहिए बस, और यही चीज याद रखो, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा. नेक्स्ट न्यूज में भसनचार आइलैंड के बारे में बात हो रही है. क्वेश्चन बन सकता है भसनचार आइलैंड कहां पर है. याद रखना बांग्लादेश का ये आइलैंड है जिसका नाम है भसनचार. आप देख सकते हो ये जो एरिया है
बांग्लादेश का ये भसनचार आइलैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल के काफी नजदीक है। तो ये टॉपिक हम लोग भसनचार आइलैंड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 1 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स जो रेफ्यूजीज जो हैं, जो कि बांग्लादेश इंडिया की बॉर्डर पर रह रहे हैं, तो उनको भसनचार आइलैंड शिफ्ट किया जाएगा, यहां पर उनको जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल स्टोरी क्या है, हालांकि मैं आपको काफी बार जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ म्यांमार के अंदर जो क्राइसिस हुए थे 2017 के उसके बारे में, बट वो थोड़ा समय हो चुका है, मेरे रेगुलर व्यूअर्स को इसके बारे में पता होगा, बट जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं एक क्विक रिविजन जो है वो करवा देता हूँ या क्विकली बता देता हूँ कि क्या ओवरऑल स्टोरी थी। तो देखो गाइस, ये म्यांमार नाम की कंट्री दिखाई दे रही है, ये हमारी इंडियन नेबर कंट्री भी है। आप देखोगे हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो काफी सारी म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। ये म्यांमार नाम की कंट्री है। 2017 में क्या हुआ था, यहां से इस जगह से काफी सारे लाखों की संख्या में रोहिंग्यास मुस्लिम्स को भगाया गया था फोर्सफुली म्यांमार गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि एक कंट्री की गवर्नमेंट ने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को फोर्सफुली भगाया। कुछ लोग जो है वो इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पर आकर उन्होंने पनाह ली, राइट। कुछ लोग जो है उन्होंने असाइलम लिया ऑस्ट्रेलिया जाकर, कुछ लोग इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहां पर जाकर उन्होंने असाइलम लिया यानी कि पनाह ली, ठीक है। बट यहां पर जो लोग आए थे उनके ऊपर विचार किया जा रहा था कि इन लोग को जो है वो कैसे म्यांमार वापस भेजा जाए, तो इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी म्यांमार के अंदर एक डील करी, म्यांमार गवर्नमेंट के साथ एक डील करी थी, और इसके लिए हम लोगों ने म्यांमार के अंदर काफी सारे जो है वो घर बनाए थे, राइट, रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। तो ये भागे कहां से थे, पहली चीज तो ये भी याद रखना, ये रखाइन नाम की एक जगह आप देख सकते हो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रखाइन, एक रखाइन स्टेट है म्यांमार की, यानी कि एक एरिया है रखाइन नाम का टेरिटरी है, तो वहां पर थे ये रोहिंग्या मुस्लिम्स और वहां से उनको फोर्सफुली निकाला गया था। अगेन क्वेश्चन कैन कम कि क्यों निकाला फोर्सफुली उनको, तो आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार के अंदर बुद्धिस्ट मेजोरिटी कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है, और बुद्धिस्ट मेजोरिटी कम्युनिटी को पसंद नहीं थे ये रोहिंग्या मुस्लिम्स, और ये कम्युनिटी क्लैश एक प्रकार का देखने को मिला था, जिसके चलते यहां से रोहिंग्या मुस्लिम्स को फोर्सफुली निकाला गया, भगाया गया। इसके चलते काफी सारे ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं या फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की अगर हम लोग बात करें, तो इन लोगों ने भी जो है वो इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिला था कि सैंक्शन वगैरह लगाए थे म्यांमार के ऊपर, और काफी ज्यादा इंटरनेशनली ये न्यूज जो है वो फैली थी कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने ही अपने ही लोगों को निकाल दिया इस प्रकार से, समझ में आ रही है। तो ये पूरी ओवरऑल स्टोरी थी, बस ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और अभी एट प्रेजेंट ये चल रहा है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है वो अपने यानी कि इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री में जो 1 लाख रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं, तो उनको इस भसनचार आइलैंड पर शिफ्ट करेगी, राइट, उनको यहाँ पर रहने का जो है वो अकोमोडेशन वगैरह दिया जाएगा। बट अभी ये वाली चीज भी जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ चुकी है, राइट, क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस चीज को। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये भसनचार आइलैंड जो है गाइस, ये लोगों के लिए डेंजरस है, ह्यूमंस के लिए ये डेंजरस है। कैसे डेंजरस है, क्योंकि हर मानसून में, हर साल मानसून के महीने में ये आइलैंड जो है वो पानी के नीचे सबमर्ज हो जाता है। अब यहां पर अगर 1 लाख मुस्लिम्स को, रोहिंग्या मुस्लिम्स के 1 लाख ह्यूमंस को अगर यहाँ पर अकोमोडेट किया जाएगा और मानसून के समय पर ये आइलैंड जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा, तो आप खुद ही जानते हो कि ये कितनी डेंजरस स्थिति हम लोग को देखने को मिल सकती है। और इसी को लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को, कहकर बोल रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, और लॉजिक भी लगाओ तो वाकई में है ये, क्योंकि अगर हम लोग को पहले से पता है कि कोई आइलैंड जो है वो हर मानसून में पानी के नीचे, समुद्र के नीचे सबमर्ज हो जाता है, राइट, अगर उसका पहले से ही आइडिया है बांग्लादेश गवर्नमेंट को, तो वो क्यों भेज रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स को यहाँ पर। तो इसी को लेकर जो है वो पूरा ये चल रहा है, बट आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए और ये पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। इसके अलावा इस आइलैंड को जो है गाइस, ये हटिया उप जिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो गाइस, पेपर वन से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग पेपर टू के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। माइलोमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आएगा माइलोमा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का कैंसर है माइलोमा, ठीक है। ये कैंसर जो है वो हम लोग को बोन मैरो में देखने को मिलता है, दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए, और ये इंपैक्ट किसके ऊपर करता है, एक वाइट ब्लड सेल के एक टाइप के ऊपर, राइट, ये कैंसर बनता है वाइट ब्लड सेल के एक टाइप के ऊपर, एक कैंसर बनता है जिसको हम लोग प्लाज्मा सेल बोलते हैं, यानी कि ये कैंसर जो है वो प्लाज्मा सेल को इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा सेल किसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं, तो देखो गाइस, हमारी हम जो है वो आसपास घिरे हुए हैं काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर काफी सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, काफी सारे ऐसे वायरसेस हैं, काफी सारे ऐसे जर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, बट फिर भी हम लोग को कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक मैजिकल पावर है जो कि इन्फेक्शन से फाइट करती है, इन्फेक्शन से लड़ती है ऑटोमेटिकली। जो भी एक एक्सटर्नल इन्फेक्शन जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वायरस जाता है, तो उससे ऑटोमेटिकली जो है वो डील करती है हमारी बॉडी का एक फंक्शन, जिसको हम लोग प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो कि इन्फेक्शन जो है उनसे लड़ती है, और ऑप्शन में अगर प्लाज्मा सेल है तो आप प्लाज्मा सेल को मार्क करेंगे, ठीक है।
तो ये क्या करती है, प्लाज्मा सेल जो है गाइस उसको खराब कर देती है। जैसे कि आप देख सकते हो उस फोटो में आपको एक हेल्दी बोन मैरो दिखाई दे रही है, राइट। ये इस प्रकार इस यहां पर आप देखोगे इस तरफ तो पूरी हेल्दी बोन मैरो है और इस तरफ जो है वो अनहेल्दी बोन मैरो दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहां पर एक कैंसर जो है वो डेवलप हो गया, जिस कैंसर का नाम है माइलोमा, ठीक है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं गाइस उसको पूरी तरह से जो है वो डैमेज कर देती है, राइट। और उसके बाद जो है वो ये फैलने लगती है, राइट, ये ट्यूमर जो है वो फैलने लगता है, राइट। और इसके चलते हम लोग को देखने को मिलता है कि ह्यूमन जो है उसका प्लाज्मा सेल डैमेज हो जाता है। इसका मतलब कि जो एचआईवी के जो सिम्टम्स होते हैं, आप जानते होंगे कि एचआईवी एड्स जिन लोग को होता है तो उनका भी इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, राइट। उनकी बॉडी के पास भी क्षमता नहीं होती वेरियस वायरसेस वगैरह से लड़ने की। तो एक प्रकार का ये कैंसर भी है जिसका नाम है माइलोमा, जिसके तहत सेम चीज होती है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, बॉडी की कैपेबिलिटी नहीं बचती है इन्फेक्शन से फाइट करने की, ठीक है। तो माइलोमा याद रखना, माइलोमा आता है तो पता होना चाहिए आपको कि ये कैंसर का एक फॉर्म है। नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है आसाम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है और मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी, कहीं पर भी वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशन हो, यूनेस्को हो, राइट, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, तो उस टॉपिक को काफी ध्यान से देखना है। अब देखो क्या हुआ है कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आसाम और वर्ल्ड बैंक ने $88 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है आसाम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। तो आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर जो आसाम फेरी ट्रांसपोर्ट सर्विस चल रही है तो उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। आसाम के अंदर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए ब्रह्मपुत्रा नदी के सहारे जो है वो बोट्स वगैरह के थ्रू, जो वेसल्स वगैरह जो होते हैं उसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक आसाम के अंदर काफी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, राइट, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन का मोड, और जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो है वो के बारे में कि इस रिवर के ऊपर जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिलता है। तो उस पूरे वाटर ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो मॉडर्नाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसी नई प्रकार की वेसल्स जो है वो लाई जाएंगी, यानी कि बोट्स इस प्रकार की नई लाई जाएंगी जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, यानी कि कम से कम जो है वो उसमें एनर्जी का उपयोग हो, राइट, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आउटपुट निकाले और एनवायरमेंट को कम से कम जो है वो या फिर ना के बराबर जो है वो डैमेज करे। और आसाम की अगर हम लोग बात करें तो आसाम के अंदर 361 फेरी रूट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, राइट। और ये रिवर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि इस नदी के माध्यम से जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बांग्लादेश के साथ काफी ईजिली, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो पहला सेशन हम लोग को इंडिया नॉर्वे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायलॉग का देखने को मिला है। पहला सेशन न्यू दिल्ली के अंदर ये हुआ था, राइट। तो और इंडिया और नॉर्वे ने जो है एक डायलॉग ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को 2018 में साइन किया था जब नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया था। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये बातचीत थी और उसका पहला सेशन था और इस बातचीत करने के लिए एग्रीमेंट जो साइन हुआ था हमारा वो 2018 में हुआ था और अब जाकर 2020 में पहली बैठक जो है वो इसकी देखने को मिली है। तो देखो नॉर्वे की लोकेशन देखो आप, ये प्यारा हमारा इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर देखोगे आप तो आपको आर्कटिक ओशियन के नजदीक नॉर्वे दिखाई देगा, राइट। जैसे कि आइसलैंड है, आइसलैंड के नीचे आप देखो ये नॉर्वे है, नॉर्वे की नेबरिंग कंट्री है स्वीडन, फिनलैंड और रशिया। तो तीन कंट्रीज के साथ ये जो अपनी नॉर्वे बाउंड्री शेयर करती है, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया, और उसका नजदीकी आइलैंड जो है वो आप देख सकते हो आइसलैंड हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे आप जाओगे तो डेनमार्क आपको दिखाई देगा, जर्मनी वगैरह, तो ये यूरोपियन कंट्रीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये नॉर्वे की लोकेशन हमने देखी कि ये नॉर्वे की लोकेशन है, ठीक है ना। अब इसके साथ जो है ये हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बातचीत हुई है, डायलॉग हुआ है, राइट, कि दोनों कंट्रीज आपस में अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको बढ़ाएगी, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया और नॉर्वे के बारे में भी, बट अभी की बैठक में किनके बारे में जो है वो मुद्दे के बारे में बातचीत हुई, तो रिन्यूएबल एनर्जी मुद्दा था, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, फिशरीज था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मैरीटाइम, शिपिंग, तो इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर जो है वो बातचीत हुई, इन प्रकार इन एरियाज में डिस्कशन हुए, राइट। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर दोनों कंट्रीज में ने अपने विचार जो है वो आपस में एक्सचेंज किए, शेयर किए, राइट। और इंडिया और नॉर्वे की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और नॉर्वे के बीच में $1127 मिलियन का ट्रेड हम लोग को देखने को मिला था 2014 में, जो कि काफी ज्यादा कम था अपने पोटेंशियल से। और इवन 100 नॉर्वेजियन कंपनीज जो है, यानी कि 100 नॉर्वे की कंपनीज जो है उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट भी किया हुआ है, राइट। और साथ ही साथ नॉर्वे जो है इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी आर्टिक रिसर्च के लिए, क्योंकि देखो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर्टिक ओशियन में आपको नॉर्वे दिखाई देता है, तो इंडिया जो आर्टिक ओशियन पे अपनी रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए उसको नॉर्वे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है।
और इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर स्टेशन जो है या फिर सेंटर्स जो है वो नॉर्वे के अंदर बनाए हैं। एक का नाम है हिमाद्री पोलर रिसर्च स्टेशन, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले कि हिमाद्री रिसर्च सेंटर जो है या फिर हिमाद्री रिसर्च स्टेशन जो है वो कहाँ पर है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे में है और इंडिया ने 2008 में जो है वो पहला आर्टिक रिसर्च स्टेशन नॉर्वे के अंदर शुरू किया था। और किन चीजों में ये रिसर्च कंडक्ट करती है ये स्टेशन, तो ये फूड वेब डायनेमिक्स के ऊपर, स्पेस वेदर के ऊपर, एरोसोल रेडिएशन के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर, माइक्रोबियल कम्युनिटीज के ऊपर, राइट, कार्बन रिसाइकलिंग और सेडिमेंटोलॉजी के ऊपर। तो ये सब फील्ड है, ये सब एरियाज है जिनके ऊपर यहाँ पर रिसर्च जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर दो हमारे रिसर्च स्टेशन है, एक है हिमाद्री रिसर्च स्टेशन और दूसरा है इंड आर्क, राइट। और ये पहला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी आप देख सकते हो, ये इंड आर्क है और ये हिमाद्री हम लोग को रिसर्च स्टेशन नॉर्वे के अंदर देखने को मिल रहा है। तो पहला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की, ये याद रखना इंडिया की पहली अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी नॉर्वे में स्थित है जिसका नाम है इंड आर्क, ठीक है। इंड आर्क यानी कि IND से इंडिया हो गया, ARC यानी कि आर्टिक ओशियन का ARC बना, राइट। और ये नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैप में वापस ले चलता हूं मैं आपको, यहाँ पर ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल होता है, तो नॉर्वे और साउथ नॉर्थ पोल के सॉरी बीच में जो है ये हम लोग को लोकेटेड दिखाई देती है, यानी कि यहाँ पर यहाँ कहीं पे आसपास आपको दिखाई देगी है जहां पर ये डॉट है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो याद रखना नॉर्थ पोल और नॉर्वे के बीच में बनी है ये अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी और इंडिया की पहली अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है इंड आर्क, ठीक है ना। और इसका मेजर मकसद ये है आर्टिक क्लाइमेट को स्टडी करना, जो आर्टिक ओशन के ऊपर जो क्लाइमेट है कैसा है क्या है उसको स्टडी करना, और मॉनसून का क्या इन्फ्लुएंस हम लोग को आर्टिक ओशन के थ्रू देखने को मिलता है तो उसकी स्टडी जो है वो कंडक्ट करना। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। याद रखना नॉर्वे हमारे इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि वहाँ पर दो रिसर्च सेंटर्स भी, और आज की डेट में हम लोग दोनों मिलकर जो है नॉर्वे और इंडिया जो है वो मिलकर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसकी पहली मीटिंग जो है वो हम लोग को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की देखने को मिली थी न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट न्यूज में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात हो रही है, तो CPEC आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है आपको पहले, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। तो वैसे ही ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, राइट, और 70वीं एनिवर्सरी हम लोग कभी रिसेंटली चाइना और म्यांमार की देखने को मिली है, राइट। तो इसी अवसर पर जो है वो चाइना चाह रही है कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन म्यांमार के साथ जो है वो बढ़ाए, तो इसलिए ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो क्रिएट कर रही है, सेम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जैसा ही, राइट। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा आप जानते हो कि चाइना जो है वो तीन कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, राइट, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तीन कॉन्टिनेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जिनको आपस में जो है ये कनेक्ट करना चाहती है, राइट, चाइना बाय रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये, बाय रोड और बाय वाटरवेज, यानी कि पानी के रूट इसने बनाए हैं, और तो पुराना जो है वो सिल्क रूट ऑलरेडी था ही है तो उसको और मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और आपस में ये कनेक्ट कर रही है और उसके तहत ये काफी सारी कंट्रीज को लोन्स दे रही है और काफी कुछ चीजें इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एनालिसिस आपकी करवाई हुई है पहले, डिटेल में आपको बताया हुआ है कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, राइट। जैसे कि इंडिया इस चीज को पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, इंडियन ओशियन जो है कि अगर हम लोग बात करें या फिर अरेबियन सी की बात करें या बे ऑफ बंगाल की बात करें तो वहां पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, राइट, वहां के पूरे यानी कि एक लैंड रूट ऐसा बना रहा है ये लैंड और वाटर रूट कि जिसके तहत जो है ये पूरी अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है तीन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, वहां पर अपना ह्यूज मार्केट जो है वो बनाना चाहता है और दूसरे के मार्केट्स जैसे कि दूसरी कंट्रीज की जो मार्केट्स हैं उनको खत्म करना चाहता है। तो ये इसकी मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेजर पॉलिसी, और उसके पीछे और भी काफी सारे कारण है, राइट, जैसे कि वो अपने खुद का रोड जो बना रहा है तो उस वहां पर अपने ट्रूप्स वगैरह भी जो है वो लगाएगा, यानी कि सिक्योरिटी पर्सनल गार्ड्स, राइट। उसके तहत क्या हो सकता है कि किसी कंट्री की निगरानी जो है ये रख सकता है अपने ट्रूप गार्ड्स को लगाकर, राइट, कि अगर कहीं पर विवाद होता है तो वो अपनी मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर सकता है क्योंकि उनके ट्रूप्स, उनके गार्ड जो है वो जगह जगह पर जो है वो तीनों कॉन्टिनेंट्स में तैनात रहेंगे, राइट, और उसके ऊपर वो मोनोपोली भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि काफी सारी कंट्रीज के माल वगैरह जो है उनको रुकवा सकता है, स्टॉप कर सकता है, राइट। और इससे डोनाल्ड ट्रंप भी काफी चढ़ गया है बुरी तरह से क्योंकि आप जानते हैं कि USA अपने आप में एक सुपर पावर है, आज की डेट में एक सुपर पावर है USA, राइट, और इस इनिशिएटिव के थ्रू जो है चाइना भी एक इक्वलेंट सुपर पावर की तरह जो है वो बन जाएगी क्योंकि तीन कॉन्टिनेंट्स के मार्केट को जो है वो कंट्रोल कर लेगी। और आप जानते हो कि किसी भी कंट्री का मार्केट उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी से ही जो है वो उसका एम्पायर बनता है, तो उसका एक वो भी है इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर, यानी कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी तो उस कंट्री जो है उसका दबदबा भी बढ़ेगा, वो कंट्री डेवलप होगी और अपना रोल जो है वो वर्ल्ड लेवल पर प्ले कर पाएगी, राइट। तो इससे इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा है और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर चल ही रहा है चाइना और
यूएसए के बीच में और इन दोनों के बीच में अनबन आज की डेट में काफी ज्यादा देखने को मिली रही है, राइट। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक था। और ये सीएमईसी जो है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बिल्कुल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा ही है, ठीक है, कि जो कि चाइना ने जो है वो पाकिस्तान के साथ एक इसी प्रकार का कॉरिडोर जो है वो क्रिएट किया हुआ है, राइट। चलो ये बात हो गई इसके बारे में। अब पेपर टू से रिलेटेड भी सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे आज, अब पेपर थ्री के टॉपिक्स की तरफ बात करते हैं। तो रेनी टिडिन अगर न्यूज में आता है, रेनी टिडिन क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार की ये दवाई है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग है, यानी कि काफी पुरानी दवाई है ये, जो कि एसिडिटी और अपर इंटेस्टिनल अल्सर, यानी कि पेट वगैरह जब किसी का दर्द होता है, राइट, और एसिडिटी वगैरह काफी ज्यादा होती है, तो जेंटेक की रेनिटिडाइन या फिर इसके और भी काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, तो उनकी मेडिसिन खाकर जो है वो राहत मिल जाती है। और कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, यानी कि जनरली डॉक्टर्स जो है वो इस प्रकार की रेनिटिडाइन नाम की मेडिसिन जो है वो लिखते हैं, राइट, जो कि एसिडिटी को खत्म करती है, और इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का भी ये हिस्सा है। और अलग अलग इसके ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि एक जैनटेक नाम का ब्रांड आपको दिख ही रहा है यहाँ पर फोटो, 75 mg की जैनटेक नाम के ब्रांड की ये दवाई है। इसके अलावा एसटेक, गिरान, तो ऐसे कुछ ब्रांड्स मेडिसिन के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है रेनिटिडाइन ये क्या है, तो आपको बताना चाहिए एसिडिटी खत्म करने की एक दवाई है। तो अभी इसके बारे में क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि गाइस कुछ समय पहले यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने वार्निंग दी थी कि इस जो मेडिसिन है उसके अंदर कार्सिनोजेंस मौजूद है। कार्सिनोजेन यानी कि ऐसे कंटेंट मौजूद है जिनके इनटेक के बाद ह्यूमंस के अंदर जो है वो कैंसर डेवलप हो सकता है, राइट। तो कार्सिनोजेन इसके अंदर मौजूद है, कैंसर डेवलप करने वाली चीज मौजूद है इस मेडिसिन के अंदर, तो ऐसी वार्निंग जो है वो दी थी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद हमारे यहाँ पे अभी इंडिया के अंदर काफी सारे डॉक्टर्स एक साथ इकट्ठा हुए और ये उस मिसकंसेप्शन को जो है वो क्लियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जेंटेक है या फिर रेनिटिडिन जो है वो बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई कार्सिनोजन वाली प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिली थी और यूएसए ने बोला ये प्रॉब्लम है, बट हमारे यहाँ के डॉक्टर जो है वो बोल रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, ये सेफ है ह्यूमन यूज के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज बस थी, बट मेनली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो आप याद रखिएगा, दवाई है जो कि एसिडिटी को खत्म करती है, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर तेजस के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तेजस अभी न्यूज में था क्या है, तो आपको बता होना चाहिए कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इंडियन एयर फोर्स का नहीं है ये, इंडियन नेवल फोर्स का, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि इंडियन नेवल फोर्स का ये एयरक्राफ्ट है, ना कि इंडियन एयरफोर्स का, क्योंकि एयरक्राफ्ट का नाम सुनकर हमारे दिमाग में एयरफोर्स आता है, बट ये इंडियन नेवी का एयरफोर्स है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आई थिंक ये पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो एयरक्राफ्ट सुनते ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ भागेंगे, बट आंसर उसका कुछ और होगा। और INS विक्रमादित्य के डेक से जो है उसको हम लोगों ने उड़ाया है, ये देखो आप INS विक्रमादित्य, राइट, इससे उड़ाया है हम लोगों ने इसको, सक्सेसफुली इसका टेक ऑफ हुआ है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। और तेजस की बात करें, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा बनाया गया है, यानी कि हम इंडियंस ने खुद ने इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया है, राइट। और बताया गया है कि एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर जो है HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का, तो उसके थ्रू जो है वो इसको बनाया गया। तो बस ये दो बेसिक फैक्ट्स बस याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं कि ये क्या है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, राइट, क्योंकि वो सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जामिनेशन के लिए। अब INS विक्रमादित्य से उड़ा है, तो INS विक्रमादित्य की भी थोड़ी चीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो हमारी कंट्री का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर रनवे बना हुआ है, यहां से एयरक्राफ्ट जो है वो उड़ते हैं, राइट, उड़ान लेते हैं, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसको 1987 में जो है वो बनाया गया था, और ये सोवियत नेवी जो है, आपको पता होगा सोवियत यूनियन थी एक टाइम पे, USSR और USA, फिर 1990s में USSR जो है वो खत्म हो गई थी, डिसमेंटल हो गई थी, राइट, फिर आज की डेट में सिर्फ USA बनी हुई है, और USSR रशिया हम लोग को देखने को मिलती है। तो सोवियत नेवी जो है गाइस, उसको भी सर्व किया था 1987 में इसने, और ये 30 एयरक्राफ्ट यानी 30 जहाज जो है वो अपने ऊपर कैरी कर सकती है, 30 जहाज जो है वो इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं आपको, MiG-29 केस, कामोव 28, कामोव 31, ALH ध्रुव, चेतक हेलीकॉप्टर्स, तो इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर नजर आ सकते हैं हम लोगों को। और बताया कि इसकी जो है वो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया था, इसमें हम लोगों ने बरक मिसाइल सिस्टम बनाया था इसराइल के साथ मिलकर, राइट, इसके अंदर जो है वो इसमें इंस्टॉल किया था बरक मिसाइल सिस्टम, राइट, तो याद रखना इसराइल के साथ मिलकर भी हम लोगों ने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह किए थे। और ये कर्नाटका के होम पोर्ट जो है करवर, वहां पर ये खड़ा रहता है, राइट, वहां पर ये हम लोग को देखने को मिल सकता है कर्नाटका के पास, ठीक है। तो ये चीज आप इसकी याद रखिएगा INS विक्रमादित्य के बारे में, क्योंकि ये इंडिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है, 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट यहां पर देखने को मिल सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर बात हो रही है यदा यदा वायरस, नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो है वो गीता का श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य, याद आ रहा है आपको? तो ये यदा यदा अगर क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, एक वायरस है यदा यदा जिसका नाम रखा है। और अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन मॉस्किटोस में ये पाया गया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मच्छर है वहां पर ये पाया गया है, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। और ये बेसिकली जो जैसे कि अल्फा वायरस जो होते हैं गाइस, दूसरे प्रकार के जैसे कि चिकनगुनिया वायरस होता है, आपने नाम सुना होगा इसका, एस्ट्रन इक्विन एनसीफेलाइटिस, तो ऐसे जो वायरस होते हैं तो उन्हीं के ग्रुप का ही ये वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यदा यदा वायरस इसका नाम है। इसमें एक चीज सिर्फ आप ये याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉस्किटोज को ही इन्फेक्ट करता है, यानी कि ऐसा वायरस है जो कि मॉस्किटो टू मॉस्किटो फैलता है, ना कि ह्यूमंस पे। तो ये ह्यूमंस को खराब नहीं करेगा यदा यदा वायरस, ये सिर्फ मॉस्किटो आपस में एक दूसरे को खराब करेंगे, राइट, एक दूसरे को काटेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये ह्यूमंस के ऊपर बिल्कुल भी खतरा नहीं है ये वाला वायरस, क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। जी सेट 30 की बात करें क्या है, इसरो का ये पहला मिशन हम लोग को 2020 का देखने को मिल रहा है, जी सेट 30 का। अब जी सेट नाम से ही समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, राइट, तो टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जी सेट 30 नाम की। फ्रेंच गुनिया नाम का एक जगह आपको दिखाता हूँ मैं आपको, मैप होगा तो यहाँ पर, हाँ ये देखो, ये फ्रेंच गुनिया नाम की एक जगह आपको दिखाई दे रही है, ये वाला एरिया फ्रेंच गुनिया, राइट। तो ये साउथ अमेरिका आप देखोगे आपको ब्राजील दिखाई देगा, उसी के ऊपर आपको फ्रेंच गुनिया दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एरिया है, यहां से हम लोगों ने लॉन्च किया है जी सेट 30 सैटेलाइट को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जी सेट 30 जो सैटेलाइट है वो इंडिया से लॉन्च नहीं की गई है, इंडियन सैटेलाइट है बट इंडिया से लॉन्च नहीं की गई है, फ्रेंच गुनिया से लॉन्च की गई है, राइट। और लॉन्च व्हीकल जिससे ये लॉन्च हुई है उसका नाम है एरेन 5VA251। और इस जी सेट 30 की जो पूरी लाइफ होने वाली है वो 15 साल से ज्यादा की देखने को मिल सकती है, ये काफी सारी एक्टिविटीज में काम होगा, जैसे मैंने आपको बताया टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, राइट। तो जैसे कि डीटीएच जो हमारे घर में जो डीटीएच लगे रहते हैं एयरटेल के या डिश टीवी के, उसमें काम में लिया जाएगा। और इवन एटीएम को चलाने के लिए जो सैटेलाइट का जो उपयोग किया जाता है तो उसको, उसमें भी जो है ये मदद करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में मदद करेगा, राइट, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, तो इन सब चीजों में जो है ये इसके काम हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो याद रखना जी सेट 30 इसको लॉन्च कर दिया है 2020 का, इंडिया का, इंडिया के इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पहला मिशन जी सेट 30, राइट, टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। विंग राइडर, विंग राइडर क्या है क्वेश्चन आएगा, विंग राइडर क्या है, तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली सबसे लार्जेस्ट एयरबॉर्न एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जितने भी ये आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप पैराशूट में आप देख रहे हो कि हेलीकॉप्टर से उतरे हैं, तो ये पबजी का कोई सीन नहीं है, ये बेसिकली असली में हुआ है। 500 से ज्यादा ट्रूप्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, ये हमारे इंडियन आर्मी के जो है वो जवान है, राइट। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरी कंट्री के अंदर कोई मिशन करना है, राइट, हमारी इंडियन आर्मी को, तो किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे, तो जैसे आपने उरी अटैक नाम की मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा इस प्रकार की चीज कुछ, राइट। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि ये चाइना को एनकाउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, राइट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। चाइना जो है गाइस उसको, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस हम लोग को काफी ज्यादा हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है, और कई बार ऑफिशियली भी चाइना डिक्लेयर कर चुका है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो चाइना का हिस्सा है, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद वगैरह होता रहता है, ठीक है। तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए विंग राइडर नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज थी। चेन्नई पोर्ट के अंदर हम लोग को सहयोग काइजिन देखने को मिल रहा है, सहयोग काइजिन, याद रखना इंडिया और जापान की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन अगर आता है सहयोग काइजिन क्या है, तो इंडिया और जापान की ज्वाइंट एक्सरसाइज है। यहां पर जापानीज शिप हम लोग को एहिगो नाम की देखने को मिली थी, जापानीज शिप आई थी यहां पर, और चार इंडियन कोस्ट गार्ड्स हम लोग की शिप्स भी हम लोग को देखने को मिली थी जिसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। याद रखना सहयोग काइजिन इंडिया और जापान की जॉइंट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इसके अलावा बात करें साल 2019 की, तो याद रखना 2019 जो साल है वो सेकेंड हॉटेस्ट ईयर है 2019, राइट, सेकेंड हॉटेस्ट ईयर। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है, और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इवन कहा था कि 2019 जो है वो काफी गर्म साल रहा है, राइट, टेम्परेचर के मामले में, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर हम लोग को 2019 साल में देखने को मिला है, और इसमें काफी ज्यादा इवेंट्स भी हुए हैं, राइट। हमने देखा था कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर हो गया था, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, इससे पहले हम लोगों ने ब्राजील का भी सेम सिमिलर इसी प्रकार का केस देखा था, राइट, अमेजोन फॉरेस्ट का हम लोगों ने केस देखा था, आपको याद आ रहा होगा, तो राइट। तो ये था 2019 का, याद रखना सबसे टेम्परेचर के मामले सबसे हॉटेस्ट ईयर।
राइट, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के चलते बढ़ता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है, तो ये सब चीज आप लोग को थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए, क्योंकि आप मेंस वगैरह में लिखें तो आपको एक फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बकायदा कहा है कि 2019 जो साल है वो काफी जो है वो हॉटेस्ट ईयर हम लोग को देखने को मिले, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ईयर। इस न्यूज में बात हो रही है टेली कम्युनिकेशन कंज्यूमर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बारे में। तो ट्राई जो है गाइस, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने डायरेक्शन दिए हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, राइट, जियो, तो ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो इनको ऑर्डर दिया गया है कि इनके पास जितना भी सब्सक्राइबर का, यानी कि हमारा जो भी, यानी कि हम सब्सक्राइबर्स हैं, हम जो है वो रिचार्ज करते हैं फिर हमें सर्विस मिलती है, राइट, तो हम सब्सक्राइबर हुए इनके, तो सब्सक्राइबर का जो अनक्लेम्ड मनी होता है, अनक्लेम्ड मनी क्या होता है, जैसे कि आपने रिचार्ज किया एयरटेल पे, ठीक है, आपने 500 का रिचार्ज किया मान लेते हैं, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पैसे कट गए, आपने नंबर भी सही डाला बट आपका रिचार्ज नहीं हुआ, और आप इतने बिजी हैं कि आप जो है वो एयरटेल पे कॉल करना भूल गए, कस्टमर केयर पे आपने कॉल नहीं किया, और एयरटेल भी जो है उसने आपके पैसे भी खुद ब खुद रिफंड नहीं किए, या कोई किसी वजह से जो है ये रिफंड नहीं कर पाया, राइट, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो अब इस टेली कम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज यहां पर बोली गई है, और इसके लिए ट्राई ने जो है वो एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि अमेंड किया जाएगा टेली कम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को, इसके रेगुलेशन को बेसिकली, और यहां पर ये कहा जाएगा कि अगर सब्सक्राइबर ने अगर अपना पैसा जो है वो डिमांड नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है, राइट, तो वो पैसा जो है वो ये इस फंड के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पर कुछ कंडीशंस वगैरह बताई गई है कि 12 महीने का समय है, या फिर जो वो समय जो कि डिसाइड करेगी ट्राई कि किस समय के अंदर अंदर जो है वो अगर सब्सक्राइबर अपने अमाउंट को क्लेम नहीं करता है तो उसका अमाउंट जो है वो फिर वहां पर चला जाएगा, ठीक है, ये टेली कम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। और ये हो इसलिए ये रहा था क्योंकि गाइस काफी सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह जो थे वो किसी भी प्रकार का, जैसे कि ये जो अनक्लेम कंज्यूमर मनी जो है, या फिर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का मनी, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी प्लान को लेते हो, ठीक है, आपने प्लान को लिया, जैसे कि ब्रॉडबैंड में ये अक्सर देखने को मिलता है, जैसे कि जियो की बात करूँ तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में, जियो फाइबर के बारे में, जियो का ब्रॉडबैंड, ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग को देखने को मिला था कि स्टार्टिंग में जब आया था तब 4000 रुपये जमा करवाने के उसने बोला था, जैसे कि मैंने किया हुआ है, अभी तो 1500 रुपये हो गया वो, राइट, अमाउंट, और वो मेरे ख्याल से नॉन रिफंडेबल है, बट मेरा जो प्लान जो था मैंने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, तो वो 4000 रुपये मैंने जियो को दिए थे, राइट, और जियो ने कहा था कि ये अमाउंट मुझे रिफंड कर दिया जाएगा जब मैं अपनी सर्विस जो है वो बंद कर दूंगा। अब ये 4000 रुपये किसके पास है, जियो के पास है। अब मैंने इस अमाउंट को क्लेम नहीं किया, मैंने सर्विस बंद कर दी बट मैंने इस अमाउंट को क्लेम नहीं किया, और किसी कारण से जियो ने भी मुझे ये अमाउंट नहीं दिया, तो ये अमाउंट जो है वो कहां पर रहता है, जियो के पास ये अमाउंट पड़ा रहता है। तो काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर वापस भी कर देते हैं, मतलब कोशिश करते हैं वापस करने की, अगर नहीं होता है वापस तो वो क्या करते हैं, अपने पास ही रख देते हैं उसको, किसी भी फंड वगैरह में डिपॉजिट नहीं करते। तो बट अब यहाँ पर जो है वो एक कानून को ट्राई ने जो है वो मतलब इसके इस जो फंड का जो रेगुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, और कहा है कि सब्सक्राइबर का जो अनक्लेम्ड अमाउंट होगा वो इस फंड के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। बस ये वाली चीज बस आपको इतनी सी याद रखनी है, राइट, उससे इससे ज्यादा आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और ये जो टेली कम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रेगुलेशन जो है वो 2007 का हम लोग को देखने को मिल रहा है, नाम से इसका समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर की अवेयरनेस के लिए जो है ये फंड जो है वो बनाया गया है, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए, कंज्यूमर जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फंड जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इससे रिलेटेड बस पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। और आज के बस इतने ही टॉपिक्स थे गाइज, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए वो अच्छे से क्लियर हुए हैं, तो आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, और या फिर अगर आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। बट रुकिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक्स हैं वो एज अ होमवर्क मैं आपको देने वाला हूं। पहला टॉपिक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। अब ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है वो रीजनल SCO समिट में इनवाइट करने वाली है या कर सकती है, अभी इसके बारे में आइडिया नहीं है पूरा, बट हाँ ऐसा कुछ प्लान जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, तो इसलिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का जो है उसके बारे में पढ़िए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़िए। और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होती है इसके बारे में पढ़िए। अब देखिए, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको कुछ डाउट आया है कि सर ये क्वेश्चन के आंसर कहाँ मिलेंगे, गूगल कीजिए, गूगल करेंगे आप तो विकिपीडिया में इन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। विकिपीडिया के अंदर विकिपीडिया का पहला पैरा पढ़ो बस, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस विकिपीडिया जो है वो उससे आप अपने नोट्स वगैरह बना के निकाल सकते हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी कुछ नहीं है। बाकी इन चारों के लिए तो आप विकिपीडिया प्रेफर कर सकते हो, बट अगर
कोई और इससे इसमें अगर कोई टॉपिक होता बुक वाला तो वो मैं आपको अलग से बता देता, बट अभी इस चार के लिए विकिपीडिया आप रेफर करिए, ठीक है। तो ये सोर्स हुआ। अब क्योंकि काफी सारे लोग पेड कोर्स के अंदर, जो मेरे पेड कोर्स मेंबर्स हैं स्पेशली, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर पेड कोर्स के जो टीचर हैं उनको पूछ रहे हैं कि सर ये टॉपिक कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। और मैं भी आपको बताता हूँ गाइस कि ये जब अगर आप मेरे लेक्चर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो ये पूरे टॉपिक्स में जो है वो आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो ये आपको एज अ रिविजन के तौर पर मिल जाएगा, और अगर अभी अभी आपने ज्वाइन किया है तो इन फ्यूचर जो है वो ये टॉपिक्स अगर दोबारा से आते हैं, क्योंकि मेरा एक रूटीन रहता है पढ़ाने का कि अगर कोई टॉपिक होता है अगर वो एक महीना या डेढ़ महीना पुराना हो जाता है, राइट, और मैंने अगर उस टॉपिक को टच नहीं किया होता है तो मैं रिपीट करते हैं। जैसे आज हम लोगों ने रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में पूरी बातचीत करी, ठीक है, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पूरी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी, तो उसी प्रकार से जो है वो मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर टॉपिक न्यूज में आता है तो, ठीक है। बस तो फिर आज के लिए इतना ही था। और अगर आप ये चारों होमवर्क कंप्लीट कर लो, और होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है, अपने पास नोट बनाने हैं इस होमवर्क के, यानी कि जो चार टॉपिक्स हैं उसके नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर होमवर्क डन, तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कर लिया है, ठीक है ना। और इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है, और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए यू कैन कॉल दीज नंबर्स। इसके अलावा टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।